In Handwara, a bridge whose foundation stone was laid in 2010 by the then Chief Minister Mr. Umar Abdullah is still under construction, making the people of Alusa and Pakut suffer a lot, fearing their lives. The estimated cost of the bridge is 6.3 crores and still awaits completion. This is Vakar, Bureau Report, Kashmir Crown. Assalamualaikum, मैं हूँ गवरवानी और आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। इस वक्त हम रामहाल के पचकूट इलाके में हैं, यानी नाले कामिल के बीच में। यहाँ पे आना इसीलिए आज मुनासिब समझा क्योंकि 2010 में यहाँ पे एक पुल तामीर, जो 2010 में साबिकी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद यहाँ पे आके एक पुल की बुनियाद डाली थी, जो जिसका कॉस्ट 6.5 करोड़ रुपये बताया जाता है। लेकिन 2010 में दो खम्भों के सिवा कुछ नहीं बनाया गया है। यहाँ पे जो लोग हैं, ये जो ब्रिज है, ये दो कॉन्स्टिट्यूएंसी को आपस में मिलाता है, यानी कुपवारा और हंदवारा कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिलाता है। आपको बताता चलूँ कि अप्रैल, यानी अप्रैल के बाद जो भी महीने आते हैं, यहाँ पे पानी का जो बहाव है बहुत तेज़ होता है, लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमने मुनासिब जाना कि आए इन लोगों से जाने कि किन किन मुश्किल का सामना करना पड़ता है, कि कितना ये जो कितना अरसा हुआ इस ब्रिज को, अभी क्यों ये कंप्लीट है, किन की गफलत छारी है। भाई साहब आप मुझे बताइए, आप ये यहाँ के लोकल सिटीजन हैं, आप मुझे बताइए कब से ये काम चल रहा है और काम कब से रुका है। 2010 में इन्होंने काम स्टार्ट किया, उस वक्त के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने यहाँ खुद आकर इनाग्रेशन की, उनके साथ बहुत सारे मिनिस्टर्स उस वक्त आए, लेकिन आज तक हमें ये इंतज़ार रहेगा कि वो कब आए और यहाँ इसी पुल की इनाग्रेशन जिसपे गाड़ियाँ चल सकी वो बाद में फिर करें। आप मुझे बताइए कितने रुपयों का ये प्रोजेक्ट था। ये उस वक्त 6.87 करोड़ का था। 6.87 करोड़। काम कब से रुका है, क्या काम कभी स्टार्ट हुआ है पहले? 2010 में पहले उन्होंने थोड़ा बहुत काम यहाँ किया, ये कुछ शस्त्र वस्त्र बाकी उन्होंने काम किया था, लेकिन उस वक्त हमें नजर नहीं आई बाकी ये लोग कहाँ गए। आप मतलब गवर्नमेंट से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम यही अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, हम यहाँ के लोकल बाशिंदे, हमें बहुत से मुश्किलात उनका सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पानी का बहाव इतना ज़्यादा होता है कि हम आर पार कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। 2010 में इस पुल की संग बुनियाद रखी गई, लेकिन अब तक ये काम नहीं हो पाया। एक्चुअली यहाँ हमें एग्रीकल्चर लैंड भी है, हमें अपने ही एग्रीकल्चर लैंड के लिए सिंचाई के लिए हमें 10 किलोमीटर वहाँ से आना पड़ता है। कितनी बदकिस्मती की बात है। और हमें ये बताया जा रहा है कि इस पुल को कुछ ऑफिसर लोगों ने हड़प कर लिया है, इसके पैसे हड़प कर लिए हैं। तो हम चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, हम अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और हमें ये पुल इस पुल की जो काम है ये आगे बढ़ना चाहिए और हमें इसकी ज़रूरत है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपके मुताबिक जो ये पैसा है 6.5 करोड़ रुपये, कभी क्या काम स्टार्ट हुआ था इसका? पहले जब 2010 में इसकी इनाग्रेशन की गई, खाली 1 महीने ये काम चला, उसके बाद काम ठप हो गया और हमें बताया जा रहा था कि ये बाढ़ आई थी 2010 में, तो इस कारण हम ये काम रोक रहे हैं अभी। तो उसके बाद हम इसका जो काम है ये दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन तब से आज तक कोई 9 साल हो गए, इसका काम दोबारा शुरू नहीं हो पा रहा है। आप कभी हायर अथॉरिटीज़ के पास गए इसके बारे में बात करने के लिए? हमने बहुत बार कोशिश की, हमने जो हमारे कंसर्न MLAs थे उनके पास भी हम गए, लेकिन हमें खाली एश्योरेंस के अलावा कुछ नहीं मिलता है वहाँ से। मैं आपको बता दूं कि जो ये पुल है ये दो कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिलाता है। बदकिस्मती की बात है जो ये ठेकेदार साहब है, उन्होंने इस कश्मीर को लूट के रखा है। 6.5 करोड़ का प्रोजेक्ट, खाली दो खम्भों के सिवा यहाँ पे कुछ नहीं बना है। हम हुकाम इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस जो ये प्रोजेक्ट है इस पर काम शुरू हो जाए और इन लोगों को जो है मुश्किल का अजाला हो जाए। कश्मीर क्राउन के लिए मैं हूँ गवरवानी। जिला कुपवाड़ा में अपनी नवियत का एक शानदार और मशहूर शोरूम, जी हाँ इंटीरियर डिजाइनिंग। आज ही अपने घर को खुशियां ले जाइए, सजाइए अपने घर को एक नए अंदाज में। घर की सजावट के लिए इंटीरियर एलिगेंस से आप वुडन फ्लोरिंग,
पीवीसी पैनलिंग, वॉलपेपर्स और दीगर घरेलू साज व सामान अब माकूल दामों में आप खरीद सकते हैं। हमारे यहाँ शानदार अल्मीनियम फ्रेम्स के साथ साथ अल्मीनियम ग्रिल्स भी दस्तियाब हैं। ये है भरोसा आपका, आपके घर की रौनक, इंटीरियर एलिगेंस कुफवाड़ा, नजदीक HDFC बैंक जामिया रोड, मलिक मार्केट कुफवाड़ा, इंटीरियर एलिगेंस कुफवाड़ा। आइए और अपने घर को सजाइए। हमारे फोन नंबर आते हैं 9596273802, 7006954071। इंटीरियर एलिगेंस कुफवाड़ा।